हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग एक अपडेट लेकर आए हैं जो कि बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। जी हाँ, जिन लोगों का फेज़ टू है वही इस वीडियो को देखे, उन लोगों के लिए ये ऐप महत्वपूर्ण होने वाली है। और यदि आप ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए डेली वीडियोज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी हैं। मैंने 3 टॉपिक अभी तक डाल दिए हैं। यदि आपने वो 3 टॉपिक नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। और GD SRT के लिए हमने आपकी एक बुक भी बनाई है, कंप्लीट बुक्स XY एग्ज़ाम के लिए। GD और SRT, GD के 42 टॉपिक और SRT के उसमें 150 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। 69 रुपये में मात्र आपको इस टाइम मिल रही है वो, तो आप उस बुक को परचेज़ कर लीजिएगा गाइज। यदि आपने नहीं किया तो बहुत महत्वपूर्ण बुक आपके लिए होने वाली है, तो उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये अपडेट है वो आपका इंडियन एयरफोर्स X & Y का जो फेज टू होगा GD & SRT, उस टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपका ये अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइज। तो देखिए, ये मेरे पास इंडियन एयरफोर्स का एडमिट कार्ड है जो कि आपके GD के लिए है। तो यदि आपने गाइज इसके अंदर पढ़ा होगा तो कोई ज़्यादा पॉइंट इश्यू नहीं है, सभी चीज़ें आपको कलर वाला एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ये चीज़ें लेकर जानी है। लेकिन यहाँ पर आपने यदि ध्यान दिया हो तो इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है गाइज, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ 12th इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। पहले क्या होता था कि आपके 12th की मार्कशीट और CBSE बोर्ड वालों से पासिंग सर्टिफिकेट होता है जो, वो वहाँ पर मांगा जाता था। लेकिन इस बार ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कोई ना कोई रीज़न होगा इसके पीछे अपडेट दिया गया है। बाकी देखिए, जो रिव्यू है वो आपका 7 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, और मेरे पास कई कैंडिडेट हैं जिनका 7 नवंबर को एग्ज़ाम है, वो मैं आपको रिव्यू दूंगा और उसके माध्यम से मैं बता दूंगा। अब मैं बताऊं आपको कि इसे आपको कैसे कहां से प्राप्त करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने 2016 में भी 12th की होगी, 2017 में की होगी, 2018 वाले भी होंगे, ठीक है। तो अब आप कहाँ से इसको लेकर आओगे आखिर, 3-3 साल आपको स्कूल छोड़े हो गए, आपने अपनी कॉलेज भी कंप्लीट कर ली, अब कहाँ से मिलेगा। तो जहाँ से भी आपने अपनी स्कूल की थी यानी कि 12th आपने किया था, वहाँ पर आपको जाना है, क्योंकि उनके पास तो पुराना 20 साल का रिकॉर्ड भी रखा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जाना है और स्कूल में जाकर आपको बोलना है कि सर मेरा ऐसे ऐसे मुझे 12th का एडमिट कार्ड चाहिए, यदि आपके पास नहीं है तो, और वहाँ पर वो लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। यदि उनको चाहिए तो आपको उनकी फ़ोटो कॉपी आपको करा लेनी है और वापस आपको जमा करा देना है। पहले क्या होता था कि इंटरनेट के माध्यम से भी ये निकाला जाता था, बट वहाँ पर स्कूल के कोड मांगते थे। यदि आपके वहाँ पर नहीं है तो वाया इंटरनेट भी आपको ये मिल सकता है गाइज। स्कूल के कोड आपको ID पासवर्ड है वो आपको पता होना चाहिए, वो बेसिकली आपको नहीं पता होगा, वो आपके उसी टीचर को पता होगा जो स्कूल का हेड होगा। देखिए, इसका ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं भाई, इंडियन एयरफोर्स ने कोई ना अपडेट किया तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा इसके पीछे। बाकी 7 नवंबर से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि कोई ना कोई सॉल्यूशन उनके द्वारा इस चीज़ का निकाला जाएगा या फिर आपको किसी भी हालत में इसको ले जाना होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज, आपके पास 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना है, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना भी आपके पास टाइम है अभी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो ये डॉक्यूमेंट है इनको कंप्लीट कर लेना। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बता दूंगा जो भी चीज़ें आपको लेकर जानी है, बिकॉज अभी आपके फेज़ टू स्टार्ट होने में मान लीजिए आप 15 दिन है आपके पास, सो 15 दिन बाद जब भी आपके फेज़ टू स्टार्ट होंगे तो सारी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज, अच्छी तैयारी के लिए आप XY GD SRT की जो बुक है वो हमारी परचेज कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कहीं भी मार्केट में आपको ऐसी बुक अवेलेबल नहीं होगी, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। सो आप बुक को परचेज़ कीजिएगा, कोई भी बुक से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं गाइज। सो गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा अपडेट लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके पास है या नहीं है, या कुछ भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।